मित्रों, सनातन धर्म में भारतीय कैलेंडर का पांचवा महीना अर्थात सावन का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। ये पूरा पवित्र श्रावण मास भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए समर्पित होता है। लोग महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, देवाधिदेव महादेव को अपनी पूजा भक्ति से प्रसन्न करते हैं। सावन के महीने में देवाधिदेव महादेव की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि हनुमान जी शिव जी का ही स्वरूप हैं, उनके 11वें रुद्रावतार हैं, तो स्वाभाविक रूप से सावन हनुमान जी की पूजा के लिए भी उत्तम महीना है। इस महीने में हनुमान जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करने के बहुत से उपाय हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ करना, सावन के मंगलवारों को हनुमान जी का व्रत करना, ऐसे ही अन्य भी उपाय हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 5 महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं, जिनको करने से आप हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करके इस सावन के महीने में अपना भाग्य बदल सकते हैं। मित्रों, अब आपको सबसे पहले उपाय के बारे में बताते हैं। सावन में मंगलवार के दिन किसी ऐसे मंदिर जाएं जहां भगवान शिव व हनुमान जी दोनों की ही प्रतिमा हो। वहां जाकर शिव जी व हनुमान जी की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी के दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं बैठकर शिव चालीसा व हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से भगवान शिव व हनुमान जी दोनों ही की कृपा आपको प्राप्त होगी। मित्रों, यदि दूसरे उपाय की बात करें तो सावन माह के किसी भी मंगलवार को नित्य कर्म से निवृत्त होकर नहाकर स्वच्छ वस्त्र पहन लें। इसके बाद हनुमान मंदिर में जाकर वहां प्रभु श्री हनुमान जी को चमेली के तेल तथा सिंदूर का चोला चढ़ाएं, साथ ही एक दीपक हनुमान जी के सामने जलाकर रख दें। संभव हो तो दीपक भी चमेली के तेल से ही जलाएं। चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल की माला पहनाएं और केवड़े का इत्र हनुमान जी की मूर्ति के दोनों कंधों पर थोड़ा थोड़ा लगा दें। अब एक साबुत पान का पत्ता लें और इसके ऊपर थोड़ा गुड़ व चना रखकर हनुमान जी को इसका भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उसी स्थान पर थोड़ी देर बैठकर तुलसी की माला से इस मंत्र का जाप करें। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम, राम नाम वरानने। इस मंत्र का कम से कम 5 माला जप करना है आपको। अब हनुमान जी को चढ़ाए गए गुलाब के फूल की माला से एक फूल तोड़कर उसे एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन के स्थान यानी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा, आपके धन में वृद्धि भी होगी, हनुमान जी की कृपा पर बनी रहेगी। मित्रों, यदि तीसरे उपाय की बात करें तो सावन के किसी भी मंगलवार को सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि सभी नित्य कर्म करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर वट के पेड़ का एक पत्ता तोड़ लें। वट के पेड़ अर्थात बरगद का पेड़, तो बरगद के पेड़ से एक पत्ता तोड़ लें और इसे स्वच्छ पानी से धो लें। अब इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखें और इसके बाद इस पर केसर से श्री राम लिखें। अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें। यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से साल भर आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। इसके बाद जब दोबारा सावन का महीना आए तो इस पत्ते को किसी नदी में प्रवाहित कर दें और इसी प्रकार से एक और नया पत्ता अभिमंत्रित कर अपने पर्स में रख लें। मित्रों, अब चौथे उपाय के बारे में आपको बताते हैं। सावन में मंगलवार के दिन किसी हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। जीवन में यदि कोई समस्या है तो उसका निवारण करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। हनुमान जी की कृपा से आपकी समस्या का निवारण अवश्य हो जाएगा। अब पांचवें और आज के वीडियो के अंतिम उपाय के बारे में बताते हैं आपको।
मित्रों, सावन के किसी भी मंगलवार को पास के ही हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी को सिंदूर व चमेली का तेल अर्पित करें, अपनी मनोकामना करें और संभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। पूर्ण शुद्ध मन से पूर्ण भाव के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे हनुमान जी आप पर प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। मित्रों, इस वीडियो में तो मैंने 5 ही उपाय बताए हैं, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो आगे के वीडियो में और भी उपाय बताऊंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को जो सावन माह में हनुमान चालीसा पढ़ने का उपाय बताया था, उस उपाय को ज़रूर उपयोग कीजिएगा, उसे फॉलो कीजिएगा। उस उपाय से आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है, क्योंकि हनुमान चालीसा राम बाण का काम करता है और उसे आप जितना पाठ करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और सावन के महीने में करेंगे तब तो फिर क्या कहना। ये 5 उपाय जो मैंने आपको बताए हैं ये भी बहुत विशेष हैं, इनको भी करके देखिएगा। यदि आपको लाभ होता है, आपको लाभ तो होगा ही, आप पूर्ण मन से कीजिएगा, तो आप अपनी बात नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी बातों से और भी लोग प्रेरित हों और इधर उधर जादू टोना के चक्करों को छोड़कर हनुमान जी की पूजा के लिए लोग अग्रसर हों। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय जय सियाराम, जय जय प्रभु श्री हनुमान जी।